कोरबा जिले के बांकी मोगरा थाना के प्रभारी इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। न्यायालय के आदेश की अवहेलना और वकील से दुर्व्यवहार के बाद आक्रोशित कठघोरा अधिवक्ता संघ ने थाना प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कोरबा एसपी को आवेदन सौंपकर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कठघोरा संघ के सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि संपत्ति से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट का फैसला अधिवक्ता प्रमोद सोनी के परिवार के पक्ष में आया था। आदेश लेकर कोर्ट के कर्मचारी द्वारा बैलेट वारंट के अनुसार सुपुर्द कराया गया, जिसके दो दिन बाद बांकी मोगरा थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना द्वारा परिवादी रामलाल चौहान को थाना बुलाकर धमकाया गया। साथ ही फोन के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद सोनी को निरीक्षक प्रमोद डडसेना ने अभद्र व्यवहार करते हुए अपराध दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी थी। 29/4/2024 को अधिवक्ता संघ कठघोरा के पास में हमारे संघ के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका एक शिकायत आवेदन पत्र थाना प्रभारी बांकी मोगरा प्रमोद डडसेना के विरुद्ध में आया। मामला यह था कि एक सिविल प्रकरण था जिसमें हमारे अधिवक्ता साथी उसमें पैरवी कर रहे थे और वो मामला उनके पक्ष में गया। न्यायालय का आदेश हुआ कि उस दुकान को खाली कराया जाए करके, और न्यायालय के कर्मचारी गए वहाँ पर और जो भी खाली कराने का जो था प्रक्रिया उसको पूर्ण किए। उसके बाद दो दिनों के बाद में थाना प्रभारी बांकी मोगरा द्वारा ये न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए सामने वाला जो पीड़ित पक्ष था उसको बुलाकर कि भाई तुम्हारा कौन वकील है, कैसे तुम यहाँ का दुकान को खाली करवा दिए। उसके बाद जो हमारे अधिवक्ता संघ कठघोरा के जो सदस्य हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, उनके मोबाइल पर वो उनके द्वारा फ़ोन किया गया। किनके द्वारा? थाना प्रभारी बांकी मोगरा के द्वारा। और फ़ोन करके उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनको दुर्व्यवहार किया गया। उनको बोला गया कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ में FIR दर्ज कर दूंगा और तुम्हें जेल भेज दूंगा। मेरा ये कहना है कि एक वकील अपने मामले में पैरवी करता है और उसके बाद में पैरवी करने के बाद में जो भी न्यायालय आदेश करता अपना कर देता है। वकील तो कहीं खाली कराया नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बांकी मोगरा क्षेत्र के बड़े थाना के आप थाना प्रभारी हैं, वकील से आपको कैसे बात करना चाहिए? कम से कम ये चीज़ को तो आपको मालूम होना चाहिए कि वकील साहब से कैसे बात करना चाहिए। वकील तो पुलिस से इस प्रकार से बात नहीं करते हैं जाके। एक वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे, उनको आत्मसम्मान को उनको ठेस पहुंचा, तब उन्होंने जाके अधिवक्ता संघ कठघोरा को एक लेटर प्रेषित किया। अधिवक्ता संघ कठघोरा के समस्त पदाधिकारियों ने एक आपात बैठक बुलाई और घटने की कड़ी निंदा की कि हमारे अधिवक्ता साथी के साथ में बांकी मोगरा थाना प्रभारी ने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया। हम लोगों ने उसमें प्रस्ताव पारित किया पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा और स्टेट वार काउंसिल बिलासपुर को भी पत्र प्रेषित किया गया। भाई क्या मामला है? वो मामला है आप न्यायालय का आदेश का अवहेलना आप कर रहे हो, लेकिन आप वकील साहब को आप धमकी चमकी आप फोन में क्यों कर रहे हैं? आप अधिवक्ता संघ कठघोरा की किसी भी एक अधिवक्ता, चाहे वो हमारे महिला अधिवक्ता रहे चाहे वो पुरुष अधिवक्ता रहे, किसी भी एक अधिवक्ता चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, कोई भी अधिवक्ता हो, कोई भी थाना का प्रभारी हो चाहे थाना का स्टाफ हो, दुर्व्यवहार अगर करेगा और हमारे पास संघ के पास कोई शिकायत आएगी तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अगर हमारे आवेदन पे अगर एसपी साहब तो हम बहुत अच्छे एसपी साहब हैं, अगर इस हमारे आवेदन पे कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अन्यथा अधिवक्ता संघ कठघोरा पुनः एक बैठक आयोजित करेगी और हमारे अधिवक्ता साथी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसके खिलाफ में एक रूपरेखा तैयार करके आगे की कार्रवाई के लिए अपन बाध्य रहेंगे। आज आदर्श आचार संहिता चल रहा है, आचार संहिता के बीच में आप अपने वर्दी का सही इस्तेमाल ना करके आप अधिवक्ता साथी के साथ में आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो एक थाना प्रभारी को ये चीज़ शोभा नहीं देता है। कोई वकील है कोर्ट में वो पैरवी करते हैं, है ना, चलते फिरते राह गए कि कोई राहगीर नहीं है कि आप उनको किसी को भी चमका दे रहे हैं धमका दे रहे हैं, है ना, तो वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता का अपमान कोई भी हमारे अधिवक्ता संघ कठघोरा का सदस्य होगा अगर कोई भी पुलिस विभाग का आदमी ऐसा करेगा उसके साथ दुर्व्यवहार, तो अधिवक्ता संघ कठघोरा बिल्कुल इसमें माफ़ी के मूड में नहीं है।